नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर मुरादाबाद से है, जहां तिरंगा यात्रा में भाग लेने पहुंची साध्वी गीता प्रधान ने सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को लेकर विवादित बयान दिया है। साध्वी ने कहा कि सपा सांसद जैसे लोगों को देश से धक्का मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव पर हाल ही में सपा सांसद का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि तिरंगा अपने घरों पर लगाना जरूरी नहीं है, इसका संविधान में भी कहीं कोई आदेश नहीं है। उनके इस बयान पर पूछे गए सवाल पर आज योगी सरकार से जुड़ी SC/ST आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान ने कहा कि जो देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं कर सकता, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज पूरे देश में युवा मोर्चे की बाइक रैली का आयोजन हुआ है और ये बाइक रैली अभी थोड़ी देर में यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे शहर में भ्रमण करेगी, उसके बाद रैली का समापन होगा। हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहे हैं और पूरे देश में ये आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है और युवाओं में बहुत जोश है। हमारे देश के तिरंगे की जो शान आन बान सो अभिमान आज युवाओं में आपको जोश देखने को मिल रहा है और पूरे देश भगवा ही भगवा होने के लिए जा रहा है। अगली खबर औरैया से है। औरैया में रक्षाबंधन के त्योहार पर SP ऑफिस में अनोखे तरीके से रक्षाबंधन की तस्वीर देखने को मिली, जहां स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने SP ऑफिस में पहुंचकर SP चारू निगम को राखी बांधी। साथ ही SP ऑफिस में तैनात अधिकारी और सिपाहियों को भी राखी बांधी गई। इस दौरान SP चारू निगम ने बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए उन्हें गिफ्ट भी भेंट की। ये RJD पब्लिक स्कूल है, ककोर में ही आता है, थाना दिव्यापुर अंतर्गत। तो ये कुछ बच्चियों ने एडवांस में राखी की मुझे बधाई दी है और मुझे बहुत सारी राखियाँ बांधी है। तो मैं अपनी तरफ से और इन सभी की तरफ से जनपद के सभी भाई बहनों को इस भाई बहन के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। और मेरी दिली आकांक्षा ये रहती है कि बच्चियाँ इसमें जो है जिस प्रकार से भाइयों को जिस आशा से ये राखी बांधती हैं, उसी प्रकार सभी भाई अपने आसपास में सभी लड़कियों को बहन मानकर और उनकी रक्षा करें और किसी भी प्रकार से कोई गलत चीज़ ना हो तो हमारा क्राइम अपने आप रुकेगा। तो सबको बधाई देते हुए एक अच्छा समाज बनाने की आशा से मैं सभी को बधाई देती हूँ। खबर हरदोई से है, जहां पाली कस्बे में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव होने लगा। दरअसल पाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला इमाम चौक में ताजिया देखने के लिए गली में खड़ी भीड़ के बीच से तेज गति से मोटरसाइकिल निकाल रहे एक युवक को मोहल्लेवासियों ने टोक दिया, जिसके बाद नोकझोंक हो गई। विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की गई। तनाव बढ़ता देख DM SP पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद वहां माहौल को शांत किया गया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें यह ज्ञात हुआ है, यहाँ कस्बे में एक हिंदू युवक का कुछ मुस्लिम युवकों से विवाद हुआ था। इनमें से कुछ द्वारा आज शाम को उसके घर पर धावा बोला गया, धमकाया गया, जिसकी तहरीर सूचना थाने पर दी गई। इसके पश्चात मोहल्ले, चूँकि ये मुस्लिम बहुल मोहल्ला है, उनके द्वारा समूह में जो युवक है उसके घर पर पथराव किया गया और उनसे बदसलूकी की गई। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया रहा है, कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अगली खबर बिजनौर से है, जहां धर्मपाल सैनी को UP सरकार ने प्रदेश का संगठन महामंत्री बनाया है। संगठन में महामंत्री बनने के बाद उनके परिजनों सहित क्षेत्र में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। परिजनों का कहना है कि धर्मपाल सैनी ने यहीं पर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। धर्मपाल सैनी ग्रेजुएशन करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो BJP के RSS संगठन में शामिल हो गए और देश और प्रदेश की सेवा में लग गए। परिजनों ने बताया कि उनके संगठन महामंत्री बनने पर प्रदेश में एक बार फिर से विकास की लहर दौड़ेगी और समाज को आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री बने भाजपा सरकार में और हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वे अपने कार्य में अच्छा कार्य करें, जो देश सेवा में
लगे रहे। अच्छा, कैसे शिक्षा दीक्षा हासिल की उन्होंने? उन्होंने धर्मपाल सिंह ने प्राइमरी स्कूल भरापुर से किया और जूनियर हाई स्कूल कुड़ैनी से और इंटर करा हिंदी इंटर कॉलेज नहीं आया। उसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक की, पॉलिटेक्निक में पहले वर्ष हुए आजमगढ़ गए। अगली खबर का रुख करते हैं फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय गेट पर हाथ में खाने की थाली लेकर एक सिपाही ने जमकर हंगामा किया। सिपाही ने आरोप लगाते हुए कहा है कि खाने के लिए घटिया क्वालिटी का खाना दिया जाता है, लेकिन शिकायत के बाद भी उच्च अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसके बाद अब सिपाही हाथ में खाने की थाली लेकर सड़क पर निकल आया। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय के गेट का है, जहाँ सिपाही जिला न्यायालय में सुरक्षा में तैनात है। भैया तुरंत मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी जी को और माननीय श्रीमती राष्ट्रपति जी को, सम्मानित प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्रालय को, डीजीपी साहब को, सचिव साहब को, सबको टैग करके, क्या बोलते हैं उसे, ट्विटर पे सबको अवगत करा दिया हूँ। उसके बाद कोई रिस्पांस मुझे अभी नहीं मिला है, इसीलिए मैं आपके बीच में ये थाली लेकर के आया हूँ। क्या परेशानी क्या है आपको? समस्या सर भोजन की है। क्या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 21 अक्टूबर को कहा था जी कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी आरक्षियों को या सभी कर्मचारियों को, खासतौर पुलिस वालों को, एक पौष्टिक आहार के रूप में 1875 रुपये यानी 30% पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाने के लिए उन्होंने महोदय ने घोषणा की। अब महोदय आप एक बताइए, ये दाल है देखिए, इसमें फर्द पानी भरा हुआ है, ना कुछ है ना का है। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर नागरिकों को जागरूक करने और राष्ट्रीय प्रेम भावना के लिए नगर पंचायत के कस्बे के स्कूली बच्चों की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे के 130 स्कूली छात्रों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में 3 छात्रों को विजेता घोषित किया गया, वहीं विजेता बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। एक्चुअली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोग्राम चलाया हर घर तिरंगा का, तो वो 11 से लेके 17 तक का प्रोग्राम है, तो उसी के एवज में हमने 11 को आज सुबह 6 बजे हमने 5 किलोमीटर की मैराथन, जो बेहद कस्बे के स्कूल के बच्चे थे अन्य और मिला के सबको हमने मैराथन कराया। उसी में हमें आज बहुत अच्छा लगा और जोश दिख रहा है बच्चों में, तो इसी के लिए थैंक यू सो मच। आप कितने बच्चे इसमें गए दौड़? इसमें करीबन 113 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, उन्होंने ही दौड़ लगाई है, उनमें से 3 विजेता आए हैं। फर्स्ट प्राइज वाले को हमने साइकिल नगर पंचायत की तरफ से दी है, सेकंड प्राइज वाले को हमने पूरी क्रिकेट की किट दी है। अगली खबर सितारगंज से है। सितारगंज में केंद्रीय कारागार से 3 कैदियों द्वारा धमकी दिए जाने पर प्रदेश स्तर के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीआईजी ने जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की टीम के साथ जेल में छापा मारा, जहां से चम्मच की बनी चाकू, कैंची, पेन ड्राइव बरामद हुई है। जेल अधीक्षक ने 3 कैदियों से जेल के नियम तोड़ने पर परिहार समाप्त करने की कार्रवाई का परिपत्र डीआईजी को सौंप दिया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां खानपुर के माडा बेला गांव में ओवरहेड टैंक के लिए स्वीकृत सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसकी सूचना पर लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और तहसीलदार शालिनी मौर्य प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गांव में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को अतिक्रमण मुक्त कराया और मौके पर ओवरहेड टैंक का काम शुरू कर दिया गया है। खबर उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले के पुरोला में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे खरीदी के पास मलबा आने से मार्ग बंद हो गया है, जिससे लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
लक्सर के भोगपुर क्षेत्र में इस समय पशुओं में फैल रहे एक भयानक रोग से परेशान है। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर मोटे मोटे फफोड़े पड़ रहे हैं, जिसमें पशुओं की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पशुपालक इस बीमारी को लेकर के चिंता में है। क्षेत्र में फैल रही इस बीमारी से पशु चिकित्सा विभाग भी बेहद अलर्ट दिखाई दे रहा है। रायसी के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित चौधरी का कहना है कि लक्सर क्षेत्र में ये बीमारी पहली बार देखने को मिली है। ये एक विषाणु जनित रोग है जो बेहद भयानक रोग है। पशु चिकित्सा विभाग को इस बीमारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके सहारे इस बीमारी पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हमारे क्षेत्र में भोगपुर और जो नजदीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैंपलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज फाइनल हुई है, कि कंफर्म हुई है हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उससे उसके समीप में जो गाँव हैं भोगपुर के नज़दीक, जैसे बाड़ी की है या इस तरफ बिक्रमपुर और इधर निरंजनपुर, इस तरफ हमने टीकाकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। और जो भी संबंधित हमें पता लग रहा है कि पशु बीमार हैं, उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं, और साथ में टीकाकरण भी गोटपोक्स वैक्सीन का किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।